हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कर्टन रेजर डील्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जिसमें कि ऑफ़र्स आपको अभी से ही मिलना शुरू हो चुका है, यानी कि 29 सितंबर, यानी कि कल से ही कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जिन पर आपको डिस्काउंट्स मिलना शुरू हो चुका है, यानी कि आप अभी भी इसे आप बाई कर सकते हो और इसमें सेम ऑफ़र्स मिलेंगे जो कि आपको बिग बिलियन डेज में मिलेंगे। और मैं जब यहाँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं स्मार्टफोन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर खुल चुका है कर्टन रेजर डील्स और मैं यहाँ पर स्मार्टफोन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्मार्टफोन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनमें कि पहला स्मार्टफोन है Realme 8i। दोस्तों, यह स्मार्टफोन 13,000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी के लिए यह सिर्फ 12,000 की प्राइस रेंज में मिल रहा है। यह स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें हमें 6.6 की डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही साथ हमें हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है और साथ ही साथ हमें बड़ी बैटरी मिल जाती है और मीडियाटेक का हीलियो G96 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाता है और यहाँ पर सब कुछ ऑलराउंडर स्मार्टफोन इसे आप कह सकते हो। तो ये स्मार्टफोन 12,000 के प्राइस में बहुत ही अच्छा है और अगर आप बैंक ऑफर लगाते हो तो यह स्मार्टफोन सिर्फ 10,800 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और अगर हम दूसरे फ़ोन की बात करें तो यहाँ पर Poco X3 Pro, यह स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था तब यह स्मार्टफोन का प्राइस था 17,000, लेकिन अभी ये सिर्फ 15,000 में मिल रहे हैं। पूरे 2,000 रुपीस डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन एकदम फ्लैगशिप लेवल का है क्योंकि इसमें हमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 860 वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और इसमें बड़ी बैटरी भी मिल जाती है, बड़ी डिस्प्ले भी मिल जाती है, सब कुछ अच्छा है। तो 15,000 के प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन एकदम किलर डील है दोस्तों। और अगर हम अगला फ़ोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर SE, ये स्मार्टफोन ओरिजिनल प्राइस देखो तो यह हमें 26,000 में मिलता है, लेकिन अभी के लिए यह स्मार्टफोन सिर्फ 24,500 में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप आईफोन में इंटरेस्ट हो तो ये iPhone SE की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। और अगर हम दूसरे फ़ोनों की बात करें तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले जो कि सिर्फ 8,000 के प्राइस रेंज में मिल जाता है, अगर हम बैंक ऑफर लगाते हो तो सिर्फ 7,200 में मिल जाएगा। Poco C3 स्मार्टफोन है और सबसे किलर डील अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्मार्टफोन है Samsung F62। जब यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग थी 23,000 या 24,000, लेकिन अभी के लिए यह सिर्फ और सिर्फ 18,000 में मिल रहा है। जी हाँ, ये दोस्तों, ये स्मार्टफोन तो एकदम फ्लैगशिप स्मार्टफोन है क्योंकि हमें इसमें 6.7 इंच की फुल HD+ वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें Exynos 9825 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि हम सबको पता है कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 7,000 mAh की बैटरी। जी हाँ, 7,000 mAh की बैटरी। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये स्मार्टफोन एकदम किलर डील है। 18,000 का अगर आपका बजट 20,000 है तो ये आप स्मार्टफोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो, एकदम बढ़िया फ़ोन है ये। और अगर आपको Moto G60, ये स्मार्टफोन आपको 16,000 के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको प्योर एंड्रॉयड चाहिए, कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह नहीं चाहिए, एड्स भी नहीं चाहिए, तो आप Moto G60 तरफ जा सकते हो, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और Poco A53 ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, अच्छा नहीं है ये स्मार्टफोन। और यहाँ पर कुछ इन्फिनिक्स के भी स्मार्टफोन है, इसकी तरफ भी आप जा सकते हो। और दोस्तों, अगर हम Realme 8 की बात करते हैं, यहाँ में 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 15,500 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अगर हम ओरिजिनल प्राइस की बात करते हैं, ये 17,000 में लॉन्च हुआ था। तो ये फ़ोन भी आप अच्छा स्मार्टफोन इसे आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमें 6.4 इंचेस की फुल HD+ वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, मीडियाटेक हीलियो G95 वाला प्रोसेसर और 5,000 mAh की बैटरी, 30W का फास्ट चार्जर। सो ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन है, इसे आप ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हो।
और अगर हम दूसरे फ़ोन की बात करें तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट वन, ये हमें 4GB रैम 64GB, अगर ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो ये हमें 11,000 में मिल रहा था, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ 9,500 में मिल जाएगा। और अगर हम बैंक ऑफर भी लगा देते तो ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 8,500 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन भी बहुत ही अच्छा है, इसमें हमें डुअल स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा, कोई भी एड्स वगैरह नहीं होगा, ब्लॉटवेयर वगैरह भी नहीं होगा, कैमरा डिसेंट है और बैटरी भी अच्छा है, डिस्प्ले भी है, सब कुछ अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है। इसमें हमें मीडियाटेक हीलियो G85 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, तो यह स्मार्टफोन भी बहुत ही अच्छा है माइक्रोमैक्स की तरफ से। और अगर हम दूसरे स्मार्टफोन की बात करें तो अगर दूसरा फ़ोन है पिक्सल 4 है, अगर दोस्तों ये स्मार्टफोन आई थिंक 30,000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ 26,000 में मिल रहा है। दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है, जिन लोगों को कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन पसंद है ये स्मार्टफोन डेफिनेटली उनके लिए है, क्योंकि ये इसमें हमें 5.8 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक OLED डिस्प्ले मिलती है और स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर मिलता है, और कैमरा भी पीछे की तरफ सिंगल कैमरा है जो वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैटरी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ये स्मार्टफोन उनके लिए है जो ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं, और जिन्हें कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन पसंद है ये वो लोग ये स्मार्टफोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। और दूसरे स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर Poco F3 GT, हालांकि ये स्मार्टफोन 27,000 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी आप बैंक ऑफर लगा के 25,500 में ले सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ स्मार्टफोन्स है जिसे आप अभी बाई कर सकते हो, और इसमें वही ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि बिग बिलियन डेज में देखने को मिलने वाले थे। तो डेफिनेटली अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो आप ये स्मार्टफोन्स डेफिनेटली अभी बाई कर सकते हो, लेकिन मेन सेल है वो तो अक्टूबर 3 तारीख को ही शुरू होने वाली है, और उसमें हमें ढेर सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स के साथ हमें देखने को मिल जाएंगे।